जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमारे गृह जनपद हाथरस के बूलगढ़ी गांव की जो बहन मनीषा, उसके साथ में अत्याचार हुआ, ये बहुत ही दुखद है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उसके परिवार के लोगों को ये कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करें। श्रोताओं, इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, हमें सुनने के लिए मिलती हैं। समझ में नहीं आता है हमारे भारतवर्ष के युवाओं को न जाने क्या हो गया है। आज मैं बहुत ही दुखी हूं। जिस भारतवर्ष में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगी राज कृष्ण जैसे अवतार होने के बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, स्पष्ट है कि हम उनके पद चिन्हों पर चल नहीं पा रहे हैं। हमारे बड़े भाई ने कुछ लाइनें लिखी हैं। मेरे प्यारे भारतवासी, तुम कौन दिशा में जा रहे हो? हम राम कृष्ण के वंशज हैं, क्यों जग में नाम गिरा रहे हो? कौन दिशा में जा रहे हो? हम राम कृष्ण के वंशज हैं, क्यों जग में नाम गिरा रहे हो? वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिनके सामने सुपरखा गई थी है? और कहा था, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने क्या जवाब दिया? हम क्वारे नहीं विवाहित हैं, एक नारी संग में रखते हैं, अपनी को छोड़ी और सबको हम माय और बहन समझते हैं। और मैं ये जानता हूं कि ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें मां बहन ना हो है? मेरे प्यारे भारतवासी, तुम कौन दिशा में जा रहे हो? हम राम कृष्ण के वंशज हैं, क्यों जग में नाम गिरा रहे हो? हम उन्हीं राम के वंशज हैं, क्यों जग में नाम गिरा रहे हो? और ऐसा कोई परिवार नहीं, अजय भैया, ऐसा कोई परिवार नहीं जहां बहना नहीं होती है। दुष्ट तुम्हारी करनी पर अब धरती मात की रोती है। अरे नीचो तुम्हारी करनी पर अब धरती मात की रोती है। और तुम्हारी इन करतूतों ने जो हमारा देश भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था है,
लेकिन कुछ ऐसे नवयुवा हमारे देश में हैं, क्या बताऊं, कुछ कहने में नहीं आता। तुम्हारी इन करतूतों ने भारत का नाम खराब किया, तुमसे तो आदिवासी भले जो ऐसा न कोई गुनाह किया। और लोगों, तुम किसी बहन बेटी की तरफ गलत निगाह करते हो तो याद रखो तुम्हारे भी बहन बेटी हैं। मत देख पराई बेटी को, बड़ा पाप लगेगा, तू भी कल किसी बेटी का बाप बनेगा, है? मत भूलो लोगों, हम लोग किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है तो देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, है? लेकिन याद रखो ऐसा ना हो कि कल वहां तुम्हारी बहन बेटी हो, है? आज सोच रहे हो कि दूसरे की बहन बेटी है, नहीं लोगों, अपनी समझो। बहन बेटी को बचाओ यारो, घर में भी बेटी तुम्हारी है, आज उसकी इज्जत लूट रहे कल चीखे निज सुकुमारी है। और आ गया वक्त मेरे वीरो, आ गया वक्त मेरे वीरो, अब आगे कदम बढ़ाने का, बहनों की रक्षा करने का, कुत्तों को मजा चखाने का। हम सबको मिलकर के ये प्रयास करना पड़ेगा, है? बहनों की रक्षा करने का, पापियों को मजा चखाने का। और कानून के रखवालों से भी मेरा एक अनुरोध है, क्या? जब तक कानून पद्धति से फांसी न लगाई जाएगी, बेदर्दी भेड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और एक नियम और होना चाहिए हमारे भारत में, क्या? स्कूल और कॉलेजों में यदि रामायण पढ़ाई जाएगी, अजय भैया ये नियम होना चाहिए, स्कूल और कॉलेजों में यदि रामायण पढ़ाई जाएगी, सुखदेव कसम से कहते हैं बेटियां जलाई जाएगी। प्रत्येक स्कूल में रामायण और गीता का ज्ञान देना अनिवार्य है, है? सुखदेव कसम से कहते हैं बेटियां जलाई जाएगी।